तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जियाँ ली हैं, जिसमें हमने ली है गाजर, चुकंदर, मटर और गोभी। हम इन सब्जियों को मीडियम साइज में काट लेंगे और कुकर की 5-6 सीटियाँ लगवा लेंगे। तो हमने सब्जियों को मीडियम साइज में काट लिया है और कुकर में पानी डालकर सब्जियाँ भी डाल दी हैं। तो 4-5 सीटियाँ आ चुकी हैं, अब हम इसे चेक करते हैं। तो अब हम सब्जियों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो अब हम लगाएंगे तड़का। तो सबसे पहले हम डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग, और अब हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मीडियम साइज कटे हुए प्याज और इन्हें भी अच्छी तरह से पका लेंगे। तो देखिए प्याज अच्छी तरह से पक चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और अब हम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम डालेंगे आमचूर पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस। सोया सॉस से जो है बढ़िया कलर आ जाएगा। और अब हम डालेंगे टमाटो सॉस ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाए। तो हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मैश की हुई सब्जियाँ। तो मैश की हुई सब्जियों को इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम सब्जियों को अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि जो मसाला है वो इसमें मिक्स हो जाए। तो हम पाव को मक्खन लगा के तवे पर सेक लेंगे अच्छी तरह से। तो हमारी पाव भाजी बनकर रेडी है, आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आप इसे ब्रेकफास्ट और स्नैक्स में खा सकते हैं। तो मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा जो है जो टेस्टी बनी है। तो आप भी मक्खन में तले हुए पाव और साथ में गर्मा गर्म भाजी का मज़ा लीजिए। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।